अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, रोज़ हमारे मन में एक सवाल आकर खड़ा हो जाता है कि भाई आज क्या पकाएं। हम चाहते हैं हमारे फैमिली मेम्बर्स के लिए कुछ डिफरेंट भी बनाएं और किचन में ज़्यादा समय भी ना लगे। उसके लिए सबसे परफेक्ट रेसिपी है कबाब कढ़ाई, जिसे बनाने में तो वक्त कम लगेगा और खाने में ये बड़ी ही मज़ेदार है। तो आइए कबाब कढ़ाई बनाना स्टार्ट करते हैं। हमने 250 ग्राम बोनलेस चिकन लेकर मिक्सर में ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह से। हम उसमें एक टेबलस्पून भरकर प्याज डालेंगे बारीक चॉप करके। हमने बहुत ही बारीक चॉप किया है प्याज को, आप चाहें तो थोड़ी सी प्याज का पेस्ट बनाकर डाल दें। मोटा कूटा धनिया, ये हमने 2 टीस्पून यूज़ किया है। मोटा मोटा कूटें, फ्लेवर अच्छा आएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, एक हरी मिर्ची बारीक कट करके, थोड़ा नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून भरकर, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, ये हमारा होममेड गरम मसाला पाउडर है। ये भुने चने हैं, ये 2 टेबलस्पून लेकर इसका भी हमने पाउडर बना लिया है। अगर आपके पास भुने चने नहीं हैं तो आप 1 से 2 टेबलस्पून बेसन को हल्का सा रोस्ट कर लें 2 से 3 मिनट तवे पर, और फिर इसमें मिला लें। बेसन डालने से इसमें बहुत अच्छी बाइंडिंग होगी और कबाब फ्राई करते समय टूटेंगे नहीं। थोड़ा हरा धनिया, 1 टीस्पून घी, आप चाहें तो ऑयल यूज़ कर लें। अच्छी तरह से मिलाएंगे तमाम चीज़ों को। अच्छी तरह से मैरिनेट करके इसे हम रख देंगे आधे घंटे के लिए। यहाँ हमने चिकन का कीमा यूज़ किया है, आप चाहें तो मटन का कीमा यूज़ कर लें, उसे थोड़ा ज़्यादा मैरिनेट कर लें। 1 से 1.5 घंटा मैरिनेट करने के लिए रख दें फ्रिज में। हमने थोड़ा सा कबाब का बैटर लिया है मिक्सचर, और इस तरह से हम इसका बॉल बनाएंगे। साइज़ आपके ऊपर डिपेंड होती है, लेकिन इसे बहुत ज़्यादा बड़ा ना बनाएं, क्योंकि ये कीमा कच्चा है तो चांसेस है कि ये अंदर तक नहीं पकेंगे, इसीलिए बस नींबू के साइज़ का इस तरह से बनाएं बॉल। कबाब्स को फ्राई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा गर्म तेल नहीं चाहिए। तेल ज़्यादा गर्म होने से ऊपर से कबाब्स ब्राउन हो जाएंगे और अंदर तक पकेंगे नहीं। बड़े ही सब्र के साथ हमने इन्हें फ्राई किया है, बिल्कुल जल्दबाजी ना करें फ्राई करने में। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, 5 से 6 मिनट लग गए हैं हमें। हम इन्हें निकाल लेंगे। हमने 4 टेबलस्पून ऑयल गरम करने के लिए रखा है, उसमें हम 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल देंगे बारीक चॉप करके। साथ में हम 3 से 4 हरी मिर्चियाँ भी डालेंगे। मिर्चियों को अपने हिसाब से एडजस्ट करें। हमने फ्लेम को हाई रखा है, 2 से 3 मिनट फ्राई करके हम प्याज का कलर गुलाबी कर लेंगे। हमने प्याज का कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होने दिया है। हम इसमें अभी अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे 1 टीस्पून। अदरक लहसुन को 1 मिनट लो फ्लेम पर चलाते हुए भून लेंगे। अच्छी तरह से अदरक लहसुन फ्राई हो चुका है, हम इसमें कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे, ये हम 1/2 टीस्पून डाल रहे हैं। इस तरह से कश्मीरी मिर्ची पाउडर ऑयल में डालने से एक तो खुशबू अच्छी आएगी और दूसरा कलर भी बहुत अच्छा आएगा। लेकिन ध्यान रखना है, फ्लेम को लो रखना है, क्योंकि मिर्ची पाउडर जल्दी जल सकता है। बस इसी तरह 10 से 20 सेकंड चलाएं, उससे ज़्यादा नहीं। फिर इसमें टोमेटो प्यूरी डाल दें। 2 बड़े टमाटर को लेकर हमने मिक्सर में ग्राइंड किया है और प्यूरी बना लिया है। अच्छा, यहाँ आप चाहें तो टमाटरों का छिलका निकाल कर इनकी प्यूरी बना सकते हैं। ये बड़ी आसानी से छीले जाते हैं, जिस तरह हम आलू को छीलते हैं उस तरह आप छील कर मिक्सर में डालकर इनकी प्यूरी बना लें, या तो इसी तरह मिक्सर में डालकर प्यूरी बना लें। फ्लेम को लो रखेंगे और कवर करके 8 से 10 मिनट अच्छी तरह से टमेटोज़ को पकने देंगे। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, चेक करते हैं। बहुत अच्छी तरह टमाटर पक गए हैं, तेल भी अलग हो गया है। आज हम आपको एक टिप देंगे, जब भी आप टमाटरों को पकाएं ग्रेवी में तो अच्छी तरह पकाएं सब्र के साथ। हमने 8 से 10 मिनट तक सब्र के साथ पकाया है। अच्छी तरह पकाने से ग्रेवी का टेक्सचर और फ्लेवर दोनों बहुत ही अच्छा आएगा। हमने 2 टेबलस्पून दही ले लिया है, दही में कुछ मसाले मिला लेंगे। 1 टीस्पून भरकर धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 चुटकी हल्दी, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, ये तमाम मसाले दही में मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे ग्रेवी में डाल देंगे। फ्लेम को हमें बिल्कुल लो रखना है और दही के साथ जो मसाले हम मिलाकर रखे हैं वो डाल देने हैं। हम दही डाल रहे हैं, फ्लेम को लो रखें। दही के बोल में 2 टेबलस्पून पानी डालकर इसे भी डाल देंगे। दही नहीं फटे इसीलिए छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखें। फ्लेम को लो कर दें या बंद कर दें और इस तरह से चलाते रहें दही डालने के बाद।
इस तरह से जब इसमें उबाल आ जाएगा हम बस 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पर ढककर पकाएंगे ताकि तमाम मसाले और दही आपस में पक जाएं। 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह ग्रेवी तैयार हुई है, तेल भी ऊपर आ गया है, अच्छी तरह मसाला भुना कर तैयार हो गया है। हम इसमें पानी डालकर ग्रेवी करेंगे। हमने यहाँ पर 125 ml पानी ऐड किया है, यानी कि आधा कप पानी। आप चाहें तो ग्रेवी बढ़ा सकते हैं थोड़ा ज़्यादा पानी डालकर, और अगर आप कम ग्रेवी पसंद करते हैं तो थोड़ा कम पानी डाल दें। हमारे घर में इसमें हल्की सी ग्रेवी रखते हैं क्योंकि हम ज़ीरा राइस के साथ भी खाना पसंद करते हैं, हमारे घर में सब राइस लवर्स है। अच्छी तरह से उबाल आ चुका है, हम इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं जो बिल्कुल ऑप्शनल है, हम बिल्कुल इसे रेस्टोरेंट स्टाइल लुक दे रहे हैं इसीलिए फ्रेश क्रीम डाल रहे हैं, आप चाहें तो स्किप कर दें। कसूरी मेथी 1 टीस्पून, इसे इस तरह से हाथों में क्रश करके डालें, हल्का सा हमने सेका है, 1 टीस्पून डालें, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डालने से ग्रेवी कड़वी हो सकती है। फ्लेम को हमने लो ही रहने दिया है, अच्छी तरह से मिलाएंगे। हम अब इसमें कबाब डाल देंगे जो हम तैयार किए हैं। कबाब्स को इसमें डाल देने के बाद थोड़ा फ्लेम को हाई कर दिया है हमने, इसमें एक बॉईल आने देना है। उबाल आने के बाद फ्लेम को लो करेंगे और इसे पकने देंगे 3 से 4 मिनट। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर आ गया है हमारी कबाब कढ़ाई का, बस ऐसी ही ग्रेवी चाहिए हमें, ये बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ी देर रख देने से कवर करके ये अच्छी तरह से और भी गाढ़ी हो जाएगी। हम फ्लेम को बंद कर देंगे और इस पर हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे। मिनटों में हमारी कबाब कढ़ाई बनकर तैयार हो गई है, आइए टेस्ट करते हैं। वाकई बड़ा ही मजेदार बना है, इसे कहते हैं एक्साइटिंग और आसान डिश। तो आप भी ज़रूर से कबाब कढ़ाई को ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज़।